खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास हंगामा आरई की नजर हो गया। अपोजिशन अराकीन ने हुकूमती वुजरा की अदम मौजूदगी पर स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। ऐवान में चीनी चोर और आटा चोर के नारे लगाए। निगहे तोरकज़ई ने स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास स्पीकर मुश्ताक गनी की सदारत में हुआ। इजलास में सूबाई वुज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन अराकीन ने एहतजाज किया। अपोजिशन मेंबरान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया। चीनी चोर और आटा चोर के नारे लगाए गए। अपोजिशन लीडर अकरम दुर्रानी का कहना था कि हुकूमत ने असेंबली इजलास को मजाक बनाया हुआ है। इजलास बुलाया जाता है मगर हुकूमती अराकीन नहीं आते। इजलास में स्पीकर मुश्ताक गनी ने वजीर खुराक कलंदर लोधी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप वुजरा को क्यों नहीं बुलाते। खैबर पख्तूनख्वा की रुकन असेंबली निगहत औरकज़ई ने तमीज की तमाम हदें पार कर दी। स्पीकर की नशिस्त पर बैठ गयी। अपोजिशन अरकान हुकूमती अराकीन की गैर हाजिरी पर एहतजाज कर रहे थे। अराकीन ने डाइस के सामने नारेबाजी की। अपोजिशन की शदीद हंगामा आरई पर स्पीकर ने इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास दोबारा शुरू होने पर भी अपोजिशन अराकीन का एहतजाज और हंगामा आरई जारी रही, जिस पर स्पीकर मुश्ताक गनी ने असेंबली का इजलास मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया।